अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफयर ग्राफी। मैं हूं आपका टीचर फसीउर रहमान, और आज मैं फिर फोटोशॉप की अपनी दूसरी क्लास लेकर आ चुका हूं। लेकिन इसके लिए सॉरी यार, मैं बहुत लेट हो गया हूं। मैं बहुत बिजी था, कहीं गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं आज हमने क्या क्या सीखना है। तो हमारे पास पहले मूव टूल है, उसके बाद मैं मूव टूल समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रश का यूज करूंगा। उसके बाद ये आपको जो बॉक्स हैं, जो कलर्स के, इसके बारे में बताऊंगा, और हमारी कुछ सिलेक्शंस होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम अपना पहले साइज सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह पहली क्लास में हमने बात की थी कि हम जो भी काम करेंगे वो अपना पहले साइज सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर रह के फिर हम सब काम करेंगे। तो उसके लिए मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ अपना साइज सेलेक्ट करने के लिए। सो हमारे पास ये मेन्यू खुल चुका है, ये सारा मेन्यू आई थिंक सेट है। ठीक है, ये ठीक है। सो हमारे पास ये आ चुका है। सो हमारे पास ये कैनवा ओपन हो चुका है। सो ये जो लेयर्स हैं आप देख रहे होंगे कि इधर आ चुकी हैं, और कुछ सेटिंग चेंज है। सो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये मेरा अपना इंटरफेस बनाया हुआ है, मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। अपना बनाया मतलब ये नहीं कि मैंने खुद डिजाइन किया, नहीं, ये पीछे से ही है, मैंने अपनी चीजें खुद सेट करके रखी हैं। मुझे पास टाइम, मैंने आपको पहले बताया था, मुझे बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। सो इसलिए मैंने अपना बना के सेट करके रख दिया। सो ये मेरा अपना सेट किया हुआ है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आप जिस तरह मर्जी यूज करें, इसका मतलब ये नहीं कि अपने सेट करने से ये जो मैंने अपना सेट किया हुआ है इससे काम अच्छा या इजी होगा, नहीं, मेरे लिए इजी होगा, अच्छा गारंटी नहीं है, गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अच्छा तो नहीं, ये तो मैंने अपने इजी के लिए रखा है, अच्छा तो आपका जो डिजाइन होगा वो होगा। सो ये बातें हम फिर से ही, अभी हम काम की तरफ चलते हैं अपने। तो मूव टूल की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं ब्रश टूल के जरिए कि मूव टूल हमने किस तरह यूज करना है। सो अब जिस तरह आप ये देख रहे हैं, हमारे पास ये एक सर्कल सा आ गया, इट्स मीन के ब्रश हमारा ओपन हो चुका है। अब जो ही मैं इसको ड्रैग करूंगा, इट्स मीन के मैं लाइन लगाऊंगा अपने ब्रश से, पेंट करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसके ऊपर ये पेंट हुई है, लाइन लगी है। अब हम इसको मूव टूल के जरिए मूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर लगाई है, हमारे ये कैनवा की लेयर है, तो इस वजह से ये मूव नहीं हो सकेगी। अब इससे बचने के लिए क्या, और एक और बात, हम बास टाइम ऐसा होता है, शुरू शुरू में तो लाजमी ऐसा होता है, कभी कभार हम अपना डिजाइन बना रहे होते हैं और बहुत सीक्वेंस से चल रहे होते हैं, तो एक फ्रीडम होता है हमारा, तो बास टाइम ऐसा होता है हम बना लेते हैं तो बीच में से कुछ एक ही लेयर के ऊपर हम चीजें बना लेते हैं, और बाद में हमने कुछ चीजें चेंज करनी होती हैं, कुछ कहते हैं कि ये यार यहाँ हो जाए तो और बेटर हो जाएगा। अब वो एक लेयर के ऊपर बना हुआ है तो डिजाइन फंस गया होगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि भुगते आप भुगते और भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भी सलूशन नहीं है, किसी ने भी सलूशन आज तक नहीं निकाला, बल्कि है ही नहीं, तो निकाले कौन। ठीक है, सो आपने जब भी अपना काम करना है न्यू लेयर लेकर करना है, तो न्यू लेयर किस तरह लेनी है मैं आपको ये बता दूं, ये आपके पास जो बटन बना हुआ है लेयर के नीचे ही है, ऊपर आपको शो भी कर रहा है। और फोटोशॉप में ये 2021 में बहुत खासियत है कि ये आपको जो भी आप चीजों को माउस पास लेकर जाते हैं, अपना एरो पास लेकर जाते हैं, तो आपको ये चीजें बता देता है कि ये क्या काम है इसका। तो इस वक्त हम क्रिएट न्यू कर रहे हैं और हमारे पास ये लेयर वन के नाम से आ चुकी है। सो अब ये जो लेयर है हमारी ट्रांसपेरेंट है, यानी खाली बैकग्राउंड की है। अब इसके ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं ब्रश टूल से फिर से लाइन लगाऊंगा और मूव टूल से इसको मूव करूंगा, तो ये मूव इजीली हो सकती है, क्योंकि ये हमारी अलग सी एक, जिस तरह कहते हैं ना, आजाद आजाद चीज है वो है, तो ये अब हमारी मूव हो सकती है। अब ब्रश से मैं फिर से कुछ लाइन लगाता हूं। अब क्या होगा, अब मैंने बनाई है
इसके ऊपर लाइंस लगाई हैं तो ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर लग गई, अब मैं फिर मूव करना चाह रहा हूँ, नहीं मूव हो रही, तो ये काम फिर फंस गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ। अब हमने फिर से न्यू ले ली, अब ब्रश के जरिए हम लाइंस लगाते हैं, पेंट करते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अब मुझे मूव करना है इनको, लाइक अब मुझे चाहिए कुछ इधर रख के करना है, तो आप मूव कर सकते हैं आराम से। अब इधर करना है, इधर भी कर सकते हैं, जिधर मर्जी करना चाहिए आप कर सकते हैं। अब इसको अब हम ये भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का क्या काम है और वो किस तरह होना है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसफॉर्म हमने करना है, अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस कर दे। अब आपने प्रेस किया, आपके पास ये कुछ एंकर पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इनका काम ये है, अब आप इस एंकर पॉइंट में, जिधर मैं हूँ, जिधर मेरा एरो है, अब इस एंकर पॉइंट से मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो ये छोटा होता जा रहा है, यानी उसी सीक्वेंस से छोटा होता जा रहा है। बड़ा करते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं। मैं इससे मूव टूल से ये भी कर सकता हूँ, मूव टूल से नहीं, ये अगर हम अलग-अलग लेयर ले फिर कर सकते हैं इजीली। सो आई होप आपको मूव टूल समझ आ चुकी है, क्योंकि मूव टूल सिंपल सा काम है। मूव टूल चीजों को मूव करना, आप बल्कि छोटा बच्चा भी अब समझता है मूव क्या है, किस चीज का नाम है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, आपको ये बता दूं पहले, ये हमारे पास दो बॉक्स हैं कलर्स के। ऊपर वाला है वो फोरग्राउंड कलर है, वो आपको साथ बता भी रहा है सेट फोरग्राउंड कलर। नीचे वाला हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, और साथ वो भी शो भी कर रहा है आपको। ये बहुत, इससे बहुत हेल्पफुल रहेंगे हमेशा। अच्छा अब आप इसको, ये नहीं कि ये डिफॉल्ट कलर्स है, नहीं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको, इस पर एक क्लिक करेंगे, आपके पास एक मेन्यू खुल जाएगा कलर्स का, आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली, कोई भी आप चाहते हैं कर लें इजीली कर सकते हैं। अच्छा मैं आगे सिलेक्शन की तरफ चलूँ, उसके अंदर रहकर आपको ये कलर्स के बारे में भी बता दूंगा किस तरह हमने कलर लेना है। अच्छा मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगुलर मार्की टूल है हमारा ये, ठीक है, इसको ले लूं। अब मैंने ये ड्रैग किया है, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है। अब मैंने ये जो चीज ड्रैग किया है, ये हमारी सिलेक्शन जो बन चुकी है एक शेप के तौर पर, एक रेक्टेंगुलर के तौर पर। अब इसका मतलब ये है कि हमारे ये कैनवा का एक्टिव एरिया है। अब इसके अंदर रहकर हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इसके अंदर रहकर कुछ भी कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। वो कैसे नहीं कर सकते, मैंने आपको भी बताया कि हमारा ये जो कैनवा है वो उसके अंदर रह के जिस तरह हम कर सकते हैं सब काम, अब इसी तरह अब हमने ये जो सिलेक्शन ले ली है, अब सिलेक्शन बन चुकी है, अब इसके अंदर रहकर हम कर सकते हैं। अब मैं ब्रश टूल लेता हूँ, ब्रश टूल से अब मैं बाहर ब्रश यानी लाइन लगा रहा हूँ या पेंट कर रहा हूँ, तो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारी सिलेक्शन अंदर बनी हुई है। अब जो ही मैं इसको अंदर करूंगा तो वो अंदर पेंट होगी, बाहर नहीं होगी। सो बहुत इजी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यार अब ये सिलेक्शन बन चुकी है तो ये तो बता नहीं रहे सर कि ये खत्म भी किस तरह होगी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप कंट्रोल डी प्रेस कर दें, या अगर कंट्रोल डी प्रेस नहीं, आप बात टाइम भूल गए हैं, तो ये सिलेक्ट ऊपर मेन्यू में है सिलेक्ट, ये डी सिलेक्ट है ऊपर, साथ कंट्रोल डी भी है, डी सिलेक्ट करते हैं, आपके पास ये जो सिलेक्शन बनी होगी वो खत्म हो चुकी होगी। अच्छा मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि इसका सिलेक्शन का क्या काम है, ठीक है। आगे नेक्स्ट मैं आपको कलर्स का बता दूँ, कलर्स किस तरह सिलेक्ट करने हैं इसके जरिए। अब ये हमारे पास फोरग्राउंड कलर है, अब मैं इसको ब्रश के जरिए भी कर सकता हूँ। अब ब्रश से, अब ब्रश छोटा है तो बहुत देर लगेगी, जिस तरह ये छोटा है ना, तो मैं इसको करने लगू बहुत देर लगेगी। अब मुझे चाहिए ब्रश बड़ा ताकि जल्दी हो जाए। अब मैं क्या करूंगा,
वो आपके कीबोर्ड में पी के बराबर में दो ब्रैकेट्स हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। अगर आप राइट प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास ब्रश जो है वो साइज में बड़ा होता जाएगा, और लेफ्ट करते जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। अब मैंने बड़ा किया और इसको पेंट किया है, तो ये हमारे पास पेंट हो चुका है। अब ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट वाला काम है, यानी कि लेट हुआ ना। अब मैं क्या करूंगा, अब ब्रश से नहीं, अब मैंने इसको डायरेक्ट करना है। किस तरह करूंगा, अब मैंने आपको बताया ये दो कलर्स हैं, इन दोनों के शॉर्टकट्स भी हैं। शॉर्टकट्स नहीं बताया, ये बताया कि दो कलर्स हैं, एक साइड एक फोरग्राउंड है एक बैकग्राउंड है। अब फोरग्राउंड का शॉर्टकट क्या और बैकग्राउंड का शॉर्टकट क्या ये बताऊं आपको, बताने लगा। फोरग्राउंड का शॉर्टकट ये, अब मैंने आपको जैसा बताया कि हम हमारा अभी ये सिलेक्शन बनी हुई है, और यानी एक्टिव एरिया है, इसके अंदर अगर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका जो फोरग्राउंड का जो शॉर्टकट है वो ये है, आल्ट प्लस बैक स्पेस, आपके पास डायरेक्ट वो कलर फिल हो जाएगा। इजी ही हो गया है, बिल्कुल इजी हो गया है। आपने सिंपल आर्ट प्लस बैक स्पेस किया, आपके पास वो कलर के अंदर सेक्शन के अंदर कलर फिल हो चुका है। अगर हमने नीचे वाला कलर फिल करना हो, वो किस तरह करेंगे, इसका भी शॉर्टकट है। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सी चेंजिंग है, बस एक बटन की चेंज है, कंट्रोल प्रेस करेंगे साथ बैक स्पेस, आपके पास बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। इजी सा, बिल्कुल इरिटेट नहीं करता, इतना मुश्किल नहीं है, एक दफा समझाया जाए तो समझ आ जाती है इसमें। अच्छा आगे नेक्स्ट मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। आई होप आपको ये कलर्स का भी पता लग गया, डायरेक्ट किस तरह हम दे सकते हैं। अगर आपने अपने कैनवा को या कंप्लीट, ये मेरी जो लेयर सेलेक्ट है कंप्लीट देना हो, तो कंप्लीट भी आप आर प्लस बैक स्पेस कर लें, कंप्लीट हो जाएगा। उस वक्त मेरी सिलेक्शन बनी हुई थी, यानी वो एक्टिव एरिया अंदर था, इस वजह से उसके अंदर रहकर उसने किया है। अब इधर अगर एक्टिव एरिया नहीं है, इधर जो मेरी न्यू लेयर है इसके अंदर रहकर मैंने अभी आर प्लस बैक स्पेस किया, तो मेरा कलर फिल हो चुका है। अब अगर मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस भी करूंगा, मेरा तब भी फिल हो जाएगा। मैं अभी इसको अंडू कर रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट एलिप्टिकल मार्कर टूल, इसका भी वही काम है, सेम एज वैसे ही है। आप इसको क्लिक करते हैं, आर प्लस बैक स्पेस करते हैं, फोरग्राउंड बैकग्राउंड कर सकते हैं इजीली। मैं अंडू कर रहा हूँ। अच्छा आगे नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको बताई जो जो टूल्स हैं उसकी साथ साथ प्रॉपर्टीज भी हैं, ऊपर मेन्यू में इसके प्रॉपर्टीज भी शो कर रही हैं। अब इनका क्या काम है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये पहला बटन क्लिक हुआ हुआ है, अब मैंने ड्रैग किया है, एक सिलेक्शन बनाई है अपनी, तो क्या हुआ, सिलेक्शन बनी है, कुछ भी नहीं हुआ, जो पहले काम था वही हुआ। अब मैं जब जब बनाऊंगा मेरी न्यू बनेगी, ठीक है। मैं अगर कुछ भी बनाना चाह रहा हूँ या अंदर करना चाह रहा हूँ, तो न्यू बन रही है, ऐड नहीं हो रही। अब हमारे पास जो ऊपर बटन्स हैं वो क्या काम करते हैं, अब ये जो बटन है हमारे पास ऊपर आपको साथ बता रहा है ऐड टू सिलेक्शन, यानी ये हमें क्या करेगा, जो हमने पुरानी बनाई हुई है वो जो हम न्यू बनाएंगे उसके अंदर ऐड करके देगा। इट्स मीन कि हमारे पास डबल हो गया काम। अब हमने कुछ सिलेक्शन बनानी हो, ऐड करनी हो, वो हम इजीली कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट का क्या काम है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट फॉर फ्रॉम सिलेक्शन, यानी माइनस करेगा आपकी चीजों को। अब आपने इधर से ड्रैग किया, ये सिलेक्शन माइनस हो गई, इधर से किया ये हो गई, इधर से किया ये हो गई, अब मैं अंदर से कर रहा हूँ अंदर हो गया। सो बहुत इजी है। अगर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट, यानी कॉमन एरियाज हमारे निकालेगा। अब जिस तरह आप देखें मैंने दरमियान में ड्रैग करके सिलेक्शन किया है, अब मैं जो ही माउस को क्लिक छोड़ूंगा तो हमारे पास जो कॉमन एरिया जो अंदर से हमारे आ रहे थे वो आ गए हैं, यानी हमारे जो सिलेक्शन के कॉमन एरियाज हैं वो आ चुके हैं। सो बहुत इजी है, बिल्कुल इजी सा काम है। अच्छा एक और बात, काम करते वक्त ऐसा भी होता है, अब आपने ये बना दिया है, अब आप बंद करेंगे फोटोशॉप, अब जब दोबारा ऑन करेंगे तो आपके पास ये सेटिंग वैसी की वैसी होगी, ठीक है, डिफॉल्ट नहीं जाएगी। तो आप अब लास्ट टाइम काम कर रहे होंगे, अपना सीक्वेंस से काम कर रहे होंगे, अब आप कहेंगे यार ये क्या हो गया अचानक, अब ये क्या हो गया, ये मैं कुछ करना ऐड करना चाह रही, तो
ऊपर आपकी ये याद रहे कि आप अगर छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसको वापस बैक भी कर दें, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया है बैक, ठीक है। अब मैं इसके आपको शॉर्टकट्स बताता हूँ, ताकि आप ये ऊपर से अगर शॉर्टकट्स के जरिए आपने कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इंटरसेक्ट करना है, शॉर्टकट के जरिए कर लें। वो शॉर्टकट से आपका ये होगा कि ऊपर से चेंज नहीं होगा। अब क्या है, मैंने शॉर्टकट से, अब आपको बताने लगा हूँ, शॉर्टकट से मुझे इसको ऐड करना है। मैं ऐड किस तरह करूंगा, सिंपल, सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा और साथ में ड्रैग करूंगा, ये मेरे पास ऐड होता जाएगा। तो आप देख रहे हैं, मैं जो ही शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, वो बटन खुद बहुत आगे चला जा रहा है। मैं शिफ्ट जो ही छोड़ता हूँ तो वो वापस आ जाता है। अब मुझे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें माइनस करना है। किस तरह करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, आल्ट प्रेस कर लूंगा, आल्ट प्रेस करूंगा जो ही, तो साथ साथ ड्रैग करूंगा तो वो माइनस होता जाएगा। बहुत इजी है। अब मैं इंटरसेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्या करूंगा, आर प्लस शिफ्ट दोनों प्रेस करना है। दोनों प्रेस करेंगे, हमारे पास कॉमन एरियाज आते जाएंगे, वहां से हमारा हिला भी नहीं और हमारा काम भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, इसके आगे फैदर। फैदर क्या होता है, मैंने आपको बताया शॉर्टकट यूज करें बहुत इजी है, इधर से करेंगे फिर आपका काम खराब हो जाएगा। फैदर मैं आपको एलिप्टिकल मार्कर टूल में बताता हूँ। एक मैंने ये ले लिया, एक और चीज, अब आप ये जिस तरह अब मैंने बनाई है, एक बेजियर टाइप का बन गया है, तो मुझे चाहिए एक कंप्लीट सर्कल चाहिए। अब मैं वो किस तरह लूंगा, आप शिफ्ट प्रेस कर लें, शिफ्ट प्रेस रखेंगे तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब फैदर क्या होता है, अब मैं इसका भी शॉर्टकट बता दूं, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, आपके पास इधर फैदर दिया हुआ ऑप्शन, आप इसको क्लिक कर दे। आगे आपके पास फैदर 50% दिया हुआ है। अब इसका क्या काम है, मैं आपको यही बताने लगा हूँ। ओके करेंगे जो ही, अब आपने कलर फिल करना है, कलर फिल करना है। अब आप ब्लैक करें या रेड, मैं रेड कर लेता हूँ। अब मैंने आर प्लस बैक स्पेस किया, तो हमारे पास क्या हुआ है, फैदर इसमें के ब्लर हो चुका है कॉर्नर से, यानी बहुत ब्लर हो चुका है, शार्प नहीं है। तो ये है फैदर का काम, इससे आप अपने फोटो एडिट्स भी कर सकते हैं, अपने सिंपल सा एडिट भी कर सकते हैं अपनी फोटो से। ये है फैदर हमारा। अब नेक्स्ट, अब हमने इसके सर्कल के अंदर रह कर नहीं करना, अब हमने करना है इसके बार बार रह कर करना है। वो किस तरह करेंगे वो भी बता देता हूँ आपको। अब वही काम, अब या तो सिलेक्ट ऊपर से जाके कर लें या राइट क्लिक करें, आपके पास इधर ऑप्शन सारे दिए हुए हैं। अब देखें, अब मुझे ये कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट होता है, अब मैंने यहाँ से डिलीट राइट करूंगी, यहाँ से भी डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वक्त मुझे चाहिए इसके बाहर बाहर फैदर चाहिए, अंदर नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट इनवर्स कर देंगे, हम सिलेक्ट इनवर्स करेंगे, उसके बाहर हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले बताया कि हम जो सिलेक्शन बनाते हैं उसके अंदर एक्टिव एरिया होता है, अब हमारी सिलेक्शन बाहर है और इसके अंदर भी है, यानी कि जो अंदर है उसके अंदर नहीं होगा, बाहर बाहर ही होगा। अब बाहर क्या होगा, अब मैं जो ही इसको कलर फिल करूंगा, अभी मैं सिंपल कलर फिल कर रहा हूँ, फोरग्राउंड कलर कर रहा हूँ, आर्ट प्लस बैक स्पेस, तो ये हमारे बाहर हो चुके हैं। अब मुझे इसका डीसिलेक्ट भी करना है, वही यहाँ से भी डीसिलेक्ट कर लेंगे इजिली। अच्छा, मुझे फैदर देना है, अब मैं यहीं से फैदर दूंगा राइट क्लिक करके, 50% फैदर हुआ हुआ है। अच्छा, फैदर दिया मैंने, अब मैं कलर फिल करूंगा, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं इस बार, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो देखिए, ओ सॉरी, हमारे पास ये फैदर के जरिए छोटा सा फ्रेम बन चुका है, इसके अंदर अब हम फोटो भी रख सकते हैं इजीली। अच्छा, यहाँ तक आपको, आई होप आपको समझ आ गई है कि क्या काम है इसका, ठीक है। आगे एंटी एलियास, इसका क्या काम है, अब मैंने दोबारा दिया, मैं अब इसको कलर फिल करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया। अब मैंने इसको साइड में एक और बना दिया, अब इसको भी कलर फिल, ओ सॉरी, अभी नहीं, अब पहले आपको ये बता दूं, अब ये देखें, ये बहुत स्मूथ है, ठीक है, वो जूम करने में आपको बिगलेट दिखाई दे रहा है, वरना नहीं, ठीक
ठीक है, क्योंकि इस वक्त हमारा एंटी एलियास चेक है। अगर जो ही हम इसको अनचेक कर देंगे, अब हमारा क्या होगा, अब दोबारा हम बनाएंगे, कलरफिल करेंगे इसको। अब हम जूम ना भी करें तो आपको दूर थोड़ा सा क्लोजली करने पर आपको ये पिक्सेलेट दिखाई दे रहा है, यानी कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत शार्प किस्म के, ये देखें स्मूथ नहीं है, बहुत शार्प किस्म के दिखाई दे रहे हैं। सो ये हमारा एंटी एलियास का काम है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा आप अपना एंटी एलियास चेक रखें, इससे आपका काम करते वक्त अगर आपने बना लिए शेप्स कुछ है, तो वो एंटी एलियास अनचेक है तो बहुत से काम खराब भी हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टाइल है फिक्स रेशियो, नॉर्मल आपने नॉर्मल यानी कि दिया हुआ है, आप कुछ भी बना लें, फिक्स रेशियो देंगे तो आपको वो अपनी बता देगा कि इतने में रह कर आप बना सकते हैं, यानी कि हम शिफ्ट प्रेस करके भी सिंपल एग्जैक्ट सर्कल बना सकते हैं, वो फिक्स रेशियो से भी बना सकते हैं, फिक्स साइज। अब इससे ज्यादा साइज ये देखें, आप प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ साइज दे देगा, तो हमेशा हम नॉर्मल में रहकर बनाएंगे। सो आगे हमारे पास सेलेक्ट एंड मास्क, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट, यहां तक तो हो गया हमारा। अब मैं इसका काम क्या, अब हमने बता दो दिया, अब इसका काम यूज किस तरह होगा। अब मैंने एक फोटो रखी हुई है लेकर अपने पास, ठीक है, अब इसके जरिए हम इसको फैदर के जरिए इसकी थोड़ी सी फोटो एडिट करेंगे। हाँ, एक और बात, अब मैंने फोटो ला के रखी है बिल्कुल एग्जैक्ट, जो फोटो का साइज था वही आया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मुझे फोटो का साइज मैंने अगर उसमें अपने कैनवा के अंदर जो भी है और इसमें ला के रखनी है, तो इसमें क्या होगा, अब वो फोटोशॉप खुद एडजस्ट करके दे देगा आपको, जो साइज उसका है उसके अंदर रहकर आपको दे देगा। क्या पता चला हमें कि हमारे साइज के अंदर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, साइज के अंदर रहकर हम कुछ भी कर सकते हैं। न्यू, अगर जिस तरह मैं न्यू लेकर आता हूँ, अब मैं लेकर आया हूँ, अब मैंने ड्रैग करके लेकर आया हूँ, अब मैं क्या करूंगा, ऊपर मेन्यू में छोड़ दूंगा, मेन्यू में जो ही छोड़ूंगा हमारे पास न्यू एक खुल जाएगा टैब पर। ठीक है, बहुत ईजी है, ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, फैदर देकर हमने देखना था फैदर का क्या काम। अच्छा, मैं एक बेजवी टाइप सिलेक्शन ले रहा हूँ और साथ इसको अलाइनमेंट भी कर देता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, अब फेदर देते हैं हम लाइक 60 दे देते हैं। अब मैं इसको फेदर हमने पहले दे दिया, चले कोई नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट इनवर्स, हमने फोटो एडिट करना है यार, हमने कुछ थोड़ा सा इफेक्ट डालना। अच्छा, अब हम फेदर देंगे, अब हमने फेदर दिया 60। अब हम प्रेस कंट्रोल, फोरग्राउंड कलर ब्लैक करना है हमने, तो सॉरी बैकग्राउंड कलर, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, यानी ये हल्का सा हमारा स्मूथ सा फोटो एडिट हो गया फ्रेम के अंदर। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इससे बेहतर किस तरह हम कर सकते हैं। अब वही काम मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको समझाते समझाते मैं भी भूल गया कि वो देखिए मैं सब कुछ उसी लेयर के ऊपर रहकर कर दिया। खैर, हम इसको अंडू अभी कर देते हैं क्योंकि हमारी फाइल अभी ओपन है। ठीक है, अब हम न्यू लेयर ले लेते हैं, अभी हम इसको खत्म कर देते हैं, न्यू लेयर ले लेते हैं। अब मैंने लिया दोबारा से, ठीक है, फोटो के अंदर रखा और सेलेक्ट इनवर्स कर दिया, फेदर दिया, इस बार मैं फेदर 100 दे रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ब्लैक कलर दे दिया, क्या हुआ, बहुत इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, फोटो थोड़ी सी अच्छी दिखने के लिए हम इसकी यहाँ पे ओपेसिटी है वो कम कर देंगे, 50% कर रहा हूँ या 80%, ठीक है। कुछ समझ आ रही है कि यार हमारी फोटो एडिट हुई है, ठीक है,
कुछ फ्रेम के अंदर हम इसके जरिए हम अपनी फोटो एडिट, मैंने अभी आपको सिंपल सा करके दिखाया, कोई इतना ज्यादा जोर नहीं दिया, तो आप अगर कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, उसके जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप अपने फोटोज एडिट कर सकते हैं, कुछ भी इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, तो आई होप आपको हम मेरी ये आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें यार, सब्सक्राइब भी करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि वो मेरी इन चीजों से, मेरे नॉलेज से आप तक नॉलेज पहुंचे, तो फायदा होगा, आप तक फायदा पहुंचे। सो ज्यादा से ज्यादा यार सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। Thank you.